जब लाश मिली तो उसका बाजू नहीं था, बाजू भी आपने नहीं, मैंने कहीं और कहीं खराश नहीं दिया और उसकी उंगलियां भी नहीं थी, पांव का अंगूठे से लेकर सर से बाल तक और कहीं उसको खराश नहीं दी, सिर्फ गले पे खराश दी। जब डेड बॉडी हमने देखी है ना, ये गला कटा हुआ था और सीने और पेट पे छुरियों के निशान थे और ये एक बाजू भी साथ नहीं था। रात में जी तो सोना है की ख्याल आता है, मैं पछतावा ही पछतावा के गलती ना करते शायद अच्छा भी, जिस तरह की जिंदगी गुजारने पे था सुकून दी गुजर रही। भी मुझे ये लड़ाई मुझे अक्सर मेरे साथ झगड़ता रहता था और मुझे कहता था कि मैंने आपके बच्चे मार देने हैं एक एक करके, बच्चे मार दूंगा। जेन जिन से आ रहा है कुछ चीज उस समय बच्चों घबराया ऐसा पछतावा हो रहा है मैं किस तरह की काला जादू भी कर दे नहीं कोई ऐसा। जब रास्ते सारी फिक्रमंदी में गई हूँ तो मुझे यही था कि हो सकता है गुस्से में कहीं ले गया या फिर कोई तनाजा हो गया लड़ाई, लेकिन जब मैं इसके घर पहुंची हूँ ना, मैंने आपको बताया तो मैं उसको देख के तो मुझे तसल्ली हो गई, वो हमारे साथ ऐसे ढूंढ रहा था अंदर बाहर फिर रहा था। न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 11 साल का बेटा और बाप ने छुरी से गला काट के मार दिया, तो बाप है काम कर सकता है? पछतावा है बहुत ज्यादा। और तुसी ताड़े दिन चीज तो पहले कभी आया कि बाप ऐसे कर सकता है यार? कभी तो सोच सुंदा सोच बाल नु इंज हो जावे ना इंज बच्चे नु ते बाप सारी रात नहीं सोंदा, पता है इस गल दा जी? चार पांच छे घंटे बही वहां कि वक्त गुजारा वा, मगर समझ आई उस दिन होया कि मेरे नाल मकसद की सी, बच्चे नु मारन दा मकसद की सी कि बच्चे नु मारांगा ते फिर की होएगा? कोई ऐसी सोच अगर आइंदा रिजल्ट सोचता तो शायद कदम ही ना चुकता बच्चा भी है आप देखो जी। तो मुलजम कोई वैसी ना रूटीन च रिपोर्ट करने प्रोग्राम करने हैं, हर मुलजम कह रहा होता है कि आज मैं बड़ा पछतावा है, मैं काम ना करता, मैं अगर एक घंटा गुजर जाता तो मैं ना कर कुछ नहीं। पंजाब पुलिस की गिरफ्त च आ जाता है जो कटहरे च आ जाता उदो सवाए पछतावे से कुछ कुछ नहीं होता, पछतावा बिल्कुल होता है। जो तुम मार दिता बच्चे फिर की किया? फिर मैं घर आ गया, मार के उठे छोड़ दिता। हाँ जी बेटे नु मार के छोड़ दिता। हाँ जी उठे कोई दिल च नहीं आई पछतावा होता रहा है बिचो खौफ से, मगर मैं घर आ गया, चार पांच दिन तो कपड़े पाए से ओहे कपड़े घर आ गए उतारते ने ठीक है कपड़े वे घर बेगम धोने लगी उन मैं कहा भी अभी तो चार काफी गंदे थे उन्हें तो कपड़े धोते ने, मैं अपना चेंज किया बच्चे स्कूल आने टाइम हो तो बच्ची वेखन चली गई बाहर, उस तो बाद मैं नाल ढूंढन लग पाया लभन लग पाया। तुसी भी नाल लभन लग पाए तो उन्हें पता ही मैं मार दिता दस्या नहीं सी जानने सी? अच्छा फिर जो तो ढूंढन लग पाया फिर की सोचा कि पता नहीं लगेगा तो किवें चलावांगे काम मुकम्मल किवें करना सी? काम ऐसा है कि वो भांजी आई सी नाल एक कजन सी उन्हें सारे पता लगा मछीरा आ गए सारे सारे लभन लग पे सीटी भी कैमरे चले गए सी उतो तू भी नाल चला गया? नहीं मैं नहीं सगया। अच्छा मैं घर सा मैं बाहर जा गली में दिल च कोई गल आई ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਾਮੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕਣਾ ਥਾ ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਏ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਲੇ ਚ ਆਈ? ਪਛਤਾਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦ ਜਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਐਸਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਲ ਬੂਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਦਰਤਾ ਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਤ ਸਬਰ ਨਹੀਂ।
ना कभी कभी ऐसा काम किया है, ना कभी ऐसी गलती की थी, ना सोच सी, मजदूरी करी थी, मजदूरी। रात को की ख्याल आंदा, रात को जदों सोना है की ख्याल आंदा? मैं पछतावा ही पछतावा के गलती ना करते शायद अच्छा थी, जिस तरह की जिंदगी गुजारने पे था सुकून दी गुजर रही। नाज़रीन, ये मुल्ज़म वालिद जिसने अपने बेटे को मार दिया और इतना बेदर्दी से मारा, उसकी लाश फेंक दी और छुरी मार के उसका गला काट दिया, और उसके बाद जब लाश मिली तो उसका बाजू नहीं था, बाजू भी आपने नहीं, मैंने के और कहीं खराश नहीं और उसकी उंगलियां भी नहीं थी, अंगूठे पाँव का अंगूठे से ले गए सर से बाल तक, और कहीं उसको खराश नहीं, सिर्फ गले पे खराश दी थी। वो दिन वो खा गए थे वहीं पे कुछ जानवर, वो भी आया उस मास्टर कोर्ट में आया है, वो मैंने और कहीं खराश नहीं दी, जो खराश दी है। तेरा अब्बा अगर तेरे नाल इंज करता और तेनू तेरे भरावां नू पता लगता या तेरे किसी भरा नाल इंज होंदा ते की गुजरती, अब्बे तो जिहड़ा यकीन ही नहीं इतमाद उठ जांदा, किन्ना कु दुख होंदा? बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, मुल्ज़म के पास, बल्कि हर मुल्ज़म के पास जब वो पुलिस की गिरफ्त में होता है तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, और वो कह रहा होता है कि मैं ये काम ना करता, मैं करना नहीं चाहता था, तैश आ गया, गुस्से में कर दिया, जबकि उसकी प्लानिंग जो होती है ना वो भरपूर तरीके से पूरी होती है, और उसको ये सोच आती नहीं है कि वो कानून की गिरफ्त में आएगा और पकड़ा जाएगा। शफाक मुल्ज़म बेटे को मारने वाला और किस बेदर्दी से मारा, आपने उसकी गुफ्तगू सुन ली, इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।